नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। हमारा आज का विषय है कार्तिक पूर्णिमा गुरुपर्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग से देवता आकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाते हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। यह भी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य के चित्त की शुद्धि होती है। भक्त इस खास दिन उपवास भी रखते हैं। इस दिन देवी देवताओं को खुश किया जाता है, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पर लोग पवित्र गंगा में डुबकी लगाने के अलावा दान भी करते हैं। श्रद्धालु इस खास दिन व्रत रखते हैं और कार्तिक पूर्णिमा की कथा भी सुनते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने और भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का पूजन करने से भक्तों को अपार सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। सिख धर्म में कार्तिक पूर्णिमा को प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस दिन सिख संप्रदाय के अनुयायी सुबह स्नान करके गुरुद्वारों में जाकर गुरुवाणी सुनते हैं और नानक जी के बताए रास्ते पर चलने की सुगंध लेते हैं। इसे गुरुपर्व भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुनमाली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। इसके बाद उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो असुरों ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाएं, हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहें, 1000 साल बाद हम एक जगह मिलें, उस समय जब हमारे तीनों पुर यानी नगर मिलकर एक हो जाएं, तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सके वही हमारी मृत्यु की वजह हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मायादानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक नगर सोने का, एक चांदी का व एक नगर लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष का था, चांदी का लक्ष का व लोहे का विद्युन्माली का। अपने पराक्रम से इन तीनों असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों से घबराकर सभी देवता भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा व सूर्य उस रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा। स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों व देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर एक सीध में आए, भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने प्रदोष काल में अर्धनारीश्वर के रूप में
त्रिपुरासुर का वध किया। उसी दिन देवताओं ने शिवलोक यानी काशी में आकर दीपावली मनाई। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। त्रिपुरों का अंत करने के लिए ही भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाता है। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाने लगा। कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद सूर्य को जल अर्पित करें। संभव हो तो स्नान गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में करें। सूर्य को जल देने के लिए तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल फूल, गुड़ और चावल मिला लें। इस दिन घर के मुख्य द्वार को आम के पत्तों से सजाएं और शाम को सरसों का तेल, काले तिल और काले वस्त्र किसी गरीब या जरूरतमंद को अवश्य दान करें। इस दिन तुलसी पूजा और दीपक जलाकर तुलसी के स्त्रोत का पाठ करें। इसके बाद 1, 3, 5, 7 या 11 बार परिक्रमा जरूर करें। इसके बाद भगवान शिव के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा करें। व्रत पालन कर रहे हो तो नमक का त्याग करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजन होने के बाद अंत में चंद्रमा की 6 कृतिकाओं का पूजन करना भी लाभदायी होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।